Hi friends, in today's session, chapter number 5, states of matter, के competitive में काम में आने वाले दो point का discussion करना है. First is Graham's law of diffusion and effusion, and उसके बाद हमें discussion करना है molecular kinetic theory की application, that is different kinds of velocities and their relationship between each another. तो फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कशन स्टार्ट करेंगे ग्रेहाम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिफाइन द टर्म व्हाट एक्चुअली मींस बाय डिफ्यूजन एंड व्हाट एक्चुअली मींस बाय इफ्यूजन. डिफ्यूजन इज द प्रोसेस ऑफ स्पॉन्टेनियस स्प्रेडिंग एंड इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसियस टू फॉर्म होमोजीनियस मिक्सचर इररिस्पेक्टिव ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. मीन्स डिफ्यूजन इज अ बेसिक प्रिंसिपल और बेसिक लॉ ऑफ गैस. किसी भी गैस को आप दो डिफरेंट गैस को कहीं पे भी आप खुला छोड़ दोगे तो इंटरमिक्सिंग होगा होगा एंड होगा. फाइन एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट दे आर इररिस्पेक्टिव ऑफ द फोर्स ऑफ ग्रेविटी. व्हेन इफ्यूजन इज द एस्केप ऑफ द गैस मॉलिक्यूल थ्रू अ टाइनी होल. मान लीजिए किसी भी बड़े कंटेनर के अंदर किसी भी एक पार्ट पे छोटा सा पिन होल जनरेट हो जाता है बाय एनी मींस, एंड वो पिन होल में से जो गैस कंटिन्यूसली रिलीज होता है एस्केप फ्रॉम दैट पिन होल, अ सच फिनोमिनन इज नोन एज इफ्यूजन. वंस अगेन, व्हाइल द इफ्यूजन इज द एस्केप ऑफ द गैसियस मॉलिक्यूल थ्रू अ टाइनी होल सच एज अ पिन होल इन अ बलून. बलून के कॉर्नर पार्ट पे छोटा सा पिन होल होता है, वहां से गैस निकलता रहता है, दैट इज कॉल्ड इफ्यूजन. सो हियर वी डिस्कस व्हाट एक्चुअली मींस बाय डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन. कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस करते हैं. ऑल द गैसेस स्पॉन्टेनियसली डिफ्यूजेस इनटू वन अनदर व्हेन दे आर ब्रॉट इन कॉन्टेक्ट विथ ईच अदर. ऑब्वियस डिफ्यूजन इनटू द वैक्यूम विल टेक्स प्लेस much more rapidly than the diffusion into the another place. Obvious, just because vacuum ke andar gas nahi hota hai to wahan pe diffusion bahut hi fast hoga. Normal case ke andar in open or ya fir is closed container ke andar there are so many remaining gases are also there, but in vacuum no gas are there. Both the rate of diffusion of a gas and the rate of effusion depend on most important cheez jiske upar chota sa niche derivation bhi karne wale hai, molar mass. बेसिकली डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन किसके ऊपर डिपेंड करेगा? मोलर मास के ऊपर. लाइटर गैस डिफ्यूजेस फास्टर देन हैवियर गैस. द गैस विद द हाईएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन इज हाइड्रोजन. व्हाई? बिकॉज मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन इज सबसे लीस्ट. हाइड्रोजन इज द स्मॉलेस्ट स्पीशीज एंड ड्यू टू दिस उसका मोलर मास छोटा है. मोलर मास छोटा है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन सबसे फास्ट होगा. फाइन, यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ लाइटर गैस डिफ्यूजेस फास्टर. सिंपल केस, अगर रनिंग रेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बहुत ही हेल्दी बॉडी और बहुत ही टाइनी बॉडी अगर रनिंग रेस में पार्ट लेगा तो ऑब्वियसली कौन जीत जाएगा? टाइनी बॉडी विल विन द रेस. व्हाई? बिकॉज मोलर मास इज रियली वेरी लेस, दे कैन रन रियली वेरी फास्ट. सो स्टेटमेंट क्या है? ग्रेहाम्स डिफ्यूजन लॉ का स्टेटमेंट क्या है? वन मार्क क्वेश्चन के अंदर पूछ सकते हैं. At the constant pressure and the temperature, the rate of diffusion or effusion of a gas is inversely proportional to the square root of its vapor density. Once again, at the constant pressure and temperature, gas है obviously तो pressure and temperature का direct relationship हो सकता है, इसीलिए पहले से assume कर लिया है. At the constant pressure and temperature, the rate of diffusion or effusion of a gas is most important inversely proportional to the square root of its vapor density. The rate of diffusion R is proportional to 1 upon under root D at constant temperature and pressure. For the two gas, ab ratio le lete hai, R1 by R2 is nothing but under root D2 by D1. Perfect. Now ग्रेहाम्स लॉ कैन मॉडिफाइड इन द टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ वेज. किस हिसाब से? जस्ट बिकॉज डेंसिटी है तो डेंसिटी का रिलेशनशिप किसके साथ है? मोलर मास. डी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. फाइन, सो लेट्स स्टार्ट विथ, सिंस द टू इंटू वेपर डेंसिटी इज इक्वल टू मोलिकुलर वेट, तो अब डिस्कशन करते हैं इन टर्म्स ऑफ मोलिकुलर वेट. आर वन बाय आर टू इज इक्वल टू अंडर रूट डी टू बाय डी वन.
वो तो सबको पता चल गया। अब मोलिकुलर वेट के साथ में ले जाना है, दैट इज डी टू मल्टीप्लाई बाय टू डिवाइडेड बाय डी वन मल्टीप्लाई बाय टू इज इक्वल टू अंडर रूट एम टू बाय एम वन, वेयर एम वन एंड एम टू आर द मोलिकुलर वेट ऑफ टू गैसेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब इसका पिक्चुरल डायग्राम देख लेते हैं डिफ्यूजन का किस हिसाब से है। ग्रेहम ने एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, यू कैन सी देयर इज अ सिलेंडर, सिलेंडर के इस एंड के अंदर एक कॉटन प्लग जो एचसीएल के अंदर डीप किया हुआ था, एंड हियर इन केस कॉटन प्लग जो अमोनिया के अंदर डीप किया हुआ था। दोनों कॉटन प्लग को जैसे ही क्लोज कर लिया सिलेंडर को, थोड़े टाइम के बाद ही फाउंड देयर इज अ रिंग, व्हाइट फ्यूम रिंग यहां पे मिली, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ NH4Cl। यहां पे HCl है, यहां पे अमोनिया है, सो अमोनिया एंड HCl कंबाइन एंड यू गेट NH4Cl। बट इंटरेस्टिंग चीज क्या है, देखिए अमोनिया ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, यहां से लेके यहां तक का लॉन्ग डिस्टेंस, वाइल इन केस ऑफ HCl ने यहां से यहां तक का ही डिस्टेंस ट्रैवल किया। व्हाई? जस्ट बिकॉज द मोलर मास ऑफ अमोनिया इज 17, वाइल इन केस ऑफ HCl इज 36.5। सो ऑब्वियसली लाइटर वेट कौन सा था? अमोनिया। तो अमोनिया ने ट्रैवल ज्यादा किया, वाइल इन केस ऑफ HCl इज 36.5, मोलर वेट मोलर मास ज्यादा था तो उसका ट्रैवल कम हुआ। सो हियर इन केस नियर टू दिस HCl पार्ट, एग्जैक्ट सेंटर में नहीं मिला, नियर टू दिस HCl पार्ट वी फाउंड अ व्हाइट रिंग ऑफ NH4Cl। सो दिस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्टेटमेंट, जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसी के साथ कोरिलेट, ये प्रैक्टिकल परफॉर्म किया एंड उसी के कंक्लूजन पे ग्रेहम ने डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन लॉ डिराइव किया। और आगे बढ़ते हैं, डेरिवेशन जो था उसके नए नए स्वरूप देखते हैं, कौन कौन से टर्म में आप चेंज कर सकते हो, वॉल्यूम में, मास में, किस हिसाब से। लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। सो आफ्टर कन्वर्जन इन मोलर मास, लेट्स स्टार्ट। सिंस द रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द गैस डिवाइडेड बाय टाइम टेकन फॉर द डिफ्यूजन। ऑब्वियसली लेट्स टेक एग्जाम्पल, एक बड़े से हॉल के अंदर एक कॉर्नर के अंदर आप अमोनिया गैस रिलीज कीजिए, एट द सेम टाइम दूसरे कॉर्नर के अंदर आप HCl गैस रिलीज कीजिए। सो अमोनिया कैन ट्रैवल फास्टर, व्हाई? जस्ट बिकॉज मोलर मास ऑफ अमोनिया इज रियली वेरी लेस, तो डिफ्यूजन रेट अमोनिया का बहुत ज्यादा होगा, मीन्स फास्टर होगा। वाल इन केस ऑफ HCl उसका ट्रैवल भी कम होगा एंड टाइम भी ज्यादा लगेगा। एक सर्टेन पॉइंट पे पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो अमोनिया वो पॉइंट पे फास्टली पहुंच जाएगा, सबसे फटाफट पहुंच जाएगा। वाई? जस्ट बिकॉज उसका मोलर मास कम है। एट सर्टेन पॉइंट पे HCl को अगर पहुंचना है तो इट विल टेक सम टाइम। वाई? बिकॉज मोलर मास ऑफ HCl इज हाई। तो लेट्स कन्वर्ट रेट ऑफ डिफ्यूजन वॉल्यूम इनटू टाइम। So R1 by R2 is equal to V1 by T1 is equal divided by V2 by T2. So is equal to W1 by T1 divided by W2 by T2 is nothing but under root D2 by D1. So when equal volume of gases diffuses, that is V1 is equal to V2, then R1 by R2 is equal to T2 by T1 is equal to under root D2 by D1. फाइन। सो अगर इक्वल वॉल्यूम न्यूमेरिकल में या फिर MCQ में आपको काम में आएगा, व्हेन इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस आर डिफ्यूज, V1 इज इक्वल टू V2, देन R1 बाय R2 इज इक्वल टू T2 बाय T1 इज इक्वल टू अंडर रूट D2 बाय D1। व्हेन वॉल्यूम ऑफ टू गैसेस डिफ्यूज इन अ सेम टाइम, अब क्या है, टाइम सेम है, T1 एंड T2, तो T1 इज इक्वल टू T2, देन R1 बाय R2 इज इक्वल टू V1 बाय V2 इज इक्वल टू अंडर रूट D2 बाय D1। सिंस R इज प्रोपोर्शनल टू P, where P is not a constant, so R1 by R2 is equal to P1 by P2 under root M2 by M1. Basically R is proportional to the density. Last, rate of diffusion can be determined by कुछ points के ऊपर depend करेगा, हमने already discuss कर ली है, density के ऊपर depend करेगा, molar mass के ऊपर depend करेगा, वॉल्यूम पर यूनिट टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा, एंड डिपेंड ऑन गैसियस ऑल्सो, गैसियस कौन सा है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो कुछ पॉइंट डिस्कशन कर लेते हैं।
So rate of diffusion and effusion can be determined as, first point, rate of diffusion equal to the distance traveled by gas per unit time through a tube of uniform cross section. So uniform cross section जो आपने experiment में देखा वही यहाँ पर discuss किया है. Rate of diffusion is equal to distance travel, gas कितना travel करेगा per unit time through the tube in a uniform cross section. Number of moles effused per unit time is also called the rate of diffusion. Obviously एक जगह से effused हो रहा है but वो gas atmosphere में तो diffuse ही हो रहा है. So basically that is also known as rate of diffusion. Decrease in a pressure of a cylinder per unit time is called the rate of effusion. The volume of gas effused through a gas given surface per unit time is called rate of effusion. So these are the few terms that you have to discuss. Last is application. ये कहाँ पे काम में आएगा? Use क्या है? To determine the vapor density and the molar mass of the gases. Vapor density and molar mass find out करने के लिए. Second, prepare the SL's Mars gas indicator use in mines. So mines के अंदर आप सभी को पता है different kinds of gas evolved हो रहा है. So that is a small application, means amount of gas evolved or effused वो measure करने के लिए there is a small practical Mars gas का वो measure करने के लिए basically used होता है. फाइन, जब भी माइनिंग होती है उसके अंदर यू नेवर नो कौन सा गैस कब कहां से कैसे रिलीज हो जाता है. तो दिस एक्सपेरिमेंट विल हेल्प यू कि कितनी टेंडेंसी से कितना फास्ट वो डिफ्यूज हो जाएगा तो आप वहां से सारे के सारे वर्कर्स को निकाल सको. लास्ट पॉइंट दैट इज एटमोलोसिस, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ द टू गैस ऑन द बेसिस ऑफ देयर द डिफरेंट रेट ऑफ डिफ्यूजन due to the difference in their density is called autolysis. It has been applied with the success for the separation of isotopes and the another mixtures. So this is all about your first part, that is called Graham's diffusion and effusion law. According to the new guideline of CBSE, and very soon we get the guideline of Gujarat Board also, बहुत सारे portion cut कर लिए गए हुए syllabus में से just because of this pandemic. So this part is also eliminated from your cut part. So basically this will help you for your competitive examination concern. So that's why this we are not included into this regular part. But आपको sooner or later ये करना तो है ही, तो ये part आप कर लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा this is Graham's diffusion law. इसके बाद next topic हम पढ़ने वाले in fresh session, that is called is molecular speed or velocities. मोलिकुलर स्पीड और वेलोसिटीज ये क्या है? बेसिकली हमने मोलिकुलर काइनेटिक थियरी पढ़ी. मोलिकुलर काइनेटिक थियरी के अंदर गैसियस पार्टिकल आर फ्रीली मूवमेंट इन अ कंटेनर. तो ये जो पार्टिकल की डिफरेंट वेलोसिटीज होती है उसके बारे में डिस्कशन करना है. आप सभी को पता है, लेट्स टेक एग्जांपल, एक कंटेनर के अंदर 100 पार्टिकल है. नॉट ईच एंड एवरी पार्टिकल हैविंग द सेम वेलोसिटीज. कुछ की बहुत ज्यादा होगी, कुछ की बहुत कम होगी, और रिमेनिंग एवरेज स्पीड वाले भी पार्टिकल होंगे. सो यहाँ पे हमें तीन बेसिकल चीज पढ़नी है, एवरेज स्पीड कितनी है, एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी है, और वही सारी चीज हमें ये पार्ट के अंदर डिस्कस करना है, दैट इज मॉलिक्यूलर स्पीड और वेलोसिटीज. एट एनी पर्टिकुलर टाइम द गिवन सैंपल ऑफ द गैस ऑल द मॉलिक्यूल्स डू नॉट पजेस द सेम स्पीड due to the frequent molecular collisions with the walls of the container and also with one another. The molecules move with this ever-changing speed and also with ever-changing direction of motion. This phenomenon first observed by this Maxwell. Maxwell gave the distribution curve of this molecular speed of CO2 at the different temperature, and special feature of the curve are, first, the fraction of molecule with too high or too low speed is very small. So मैंने पहले ही बताया कि कंटेनर के अंदर मान लीजिए कि 100 एटम्स है या फिर 100 मॉलिक्यूल्स है, तो 100 मॉलिक्यूल्स के अंदर सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी और सबसे हाईएस्ट वेलोसिटी
एंड सबसे कम वेलोसिटी वाले बहुत ही कम होंगे. फाइन, नो मॉलिक्यूल हैज अ जीरो वेलोसिटी. ऑब्वियस, ऐसा कभी नहीं होगा कि किसी भी मॉलिक्यूल के पास वेलोसिटी ही नहीं है. इनिशियली द फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज इन द वेलोसिटी टिल द पिक ऑफ द कर्व विच पर्टेन्स टू मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी एंड देयर आफ्टर इट फॉल्स विद इंक्रीज द वेलोसिटी. हियर इन केस डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ कैसा होगा? डिस्ट्रीब्यूशन ग्राफ इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम लोअर पार्ट, देन यू गेट द मैक्सिमा, एंड आफ्टर रीचिंग द मैक्सिमा वंस अगेन यू गेट द डाउन साइड. सो हियर इन केस जो मैक्सिमा वाला पार्ट है दैट इज एवरेज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स. सो सबसे लोअर पार्ट के अंदर भी बहुत कम एटम होंगे एंड सबसे हाइएस्ट पार्ट के अंदर भी बहुत कम एटम होंगे. बीच में जो एवरेज मिला उसके अंदर हाइएस्ट मॉलिक्यूल आपको मिल जाएंगे. Let's start with the types of molecular speed or velocities. The first is root mean square velocities, that is denoted by URMS. Name itself suggests. Maths में भी आपने पढ़ा होगा root mean square velocity. और physics में भी शायद आएगा आपको. It is the square root of this mean of the square of the velocity of a large number of molecule of a same gas. URMS is equal to U1 square plus U2 square and so on divided by n. URMS का एक फाइनल इक्वेशन आपको याद रखना है, दैट इज URMS इज इक्वल टू 3 RT/m इज इक्वल टू √3 KT/m और इज इक्वल टू √3 P/d. ये तीन में से कोई भी एक फॉर्मूला आपको हेल्प होगा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर MCQ सॉल्व करने के लिए. For the gas two different temperature, the ratio of RMS velocities, that is U1 by U2, is equal to √T1/T2. For the two different gas having the same temperature, the ratio of RMS velocity, अब temperature same है तो क्या हो जाएगा? It's dependent on molar mass. M के लिए difference करते हैं. U1 by U2 is equal to √M2/M1. Third, RMS velocity at any temperature, that is T temperature, may be related to the value UT is equal to √3P in bracket 273 plus T divided by 273 into D. अब देखिए ये basically formula कौन सा हुआ, URMS is equal to √3P/d. Fine. अब temperature given temperature है तो हम क्या करेंगे, 273 plus T means each and every temperature in degree Celsius converted into Kelvin. तो बेसिकली ये जो UT वाला फॉर्मूला था √3P/d वाला वही चेंज हो गया. U एट एनी गिवन टेम्परेचर इज इक्वल √3P ब्रैकेट 273 प्लस टी डिवाइडेड बाय 273 इनटू डी. फाइन, नेक्स्ट इज एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी मॉलिक्यूल के कितनी होगी? इट इज द एवरेज ऑफ द वेरियस वेलोसिटी पोजेस्ड बाय द मॉलिक्यूल. सो मॉलिक्यूल जो एवरेज पोजेस करेंगे वो क्या होंगे? VAV, that is average, is equal to V1 plus V2 up to the VN divided by N. उसका formula याद रखिए, V average is equal to 8 RT/πm or √8 KT/πm, where K is equal to Boltzmann constant. Boltzmann constant की value है R/N0. And last most important, once again, that is most probable velocity, that is alpha MP. MP means most probable. It is the velocity possessed by the maximum number of molecules of a gas at a given temperature. So that is alpha MP, that is most probable distribution √2 RT/m is equal to √2 PV/m or is equal to √2 P/d. So most probable distribution ke andar aayega aapka final 2 P/d or RMS ke andar aayega √3 P/d. To ye confuse mat ho jaiyega, ye याद रखिएगा. RMS के अंदर आएगा √3 P/d एंड मोस्ट प्रोबेबल के अंदर आएगा आपका √2 P/d. सो दिस इज द ग्राफ ऑफ बोल्ट्समैन. आप देखिए एग्जैक्ट सेंटर पे आपको मिलेगा V एवरेज, एग्जैक्ट सेंटर पे मिलेगा मोस्ट प्रोबेबल. फाइन, उसके बाजू में आपको मिलेगा V एवरेज. ऑब्वियसली वी एवरेज थोड़ा सा साइड पे होगा, यहां से लेके यहां तक का एवरेज बन जाएगा, दैट इज हाईएस्ट पार्ट जिसने अक्वायर करके रखा हुआ है. एंड लास्ट इज वी आर एम एस मीन्स रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटीज. दिस इज बोल्ट्समैन ग्राफ. आप देखोगे तो ये पिक पे जाने वाले जितने भी पॉइंट होंगे वो बहुत ही कम होंगे.
हाईएस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे मिलेगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज द हाईएस्ट डिस्ट्रीब्यूशन पार्ट, जो कर्व का सबसे लंबा पार्ट इन लोगों ने एक्वायर करके रखा हुआ है, दैट इज एवरेज वेलोसिटी वाला पार्ट। सो एवरेज वेलोसिटी कितनी होती है, 61% के आसपास। दिस इज रैंडम, ईच एंड एवरी गैस के लिए डिफरेंट होगा, बट दिस इज जनरल टेंडेंसी कि आउट ऑफ 100 मॉलिक्यूल 61 मॉलिक्यूल की जो टेंडेंसी है ऑलमोस्ट सेम होती है। सो दैट इज वी आर एम एस, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी यहाँ पे बताई हुई है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी 60.8 एंड 99.3 इन केस ऑफ दिस। सो दिस इज अवर कट शॉर्ट पॉइंट, दैट इज वी मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी, दैट इज नथिंग बट 2 KT/m, एवरेज का होगा 8 KT/m एंड RMS का होगा 3 RT/m। अब इसी का रिलेशनशिप हमें पढ़ना है, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन दिस मॉलिक्यूलर स्पीड और वेलोसिटीज। तो यही पार्ट को अगर आप कट शॉर्ट कर लो तो यहां पे दिखाया हुआ है रिलेशनशिप बिटवीन मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज एंड RMS, तीनों के तीनों इक्वेशन को इक्वेट किया हुआ है, 2 RT/m, √8 RT/πm एंड √3 RT/m, वैल्यूज √2, 8/π, √3। सिंप्लीफाई कीजिए, व्हाट इज योर कंक्लूजन, कंक्लूजन इज इंपॉर्टेंट। ये कंक्लूजन पे भी एक एमसीक्यू बन सकता है, आपको डिफरेंट इंक्रीज एंड डिक्रीज में दिए होंगे, तो आपका सबसे पहला होगा दैट इज मोस्ट प्रोबेबल इज लेस देन टू दिस एवरेज इज लेस देन टू दिस RMS। So this will help you for your competitive examination and board examinations. इसके अंदर generally कोई question derive होके नहीं आएगा, so rest assured. This is all about your today's session. Thank you.